हेलो गाइज, मैं हूँ स्मिता और मेरे चैनल स्मिता डायमंड में मैं आप लोग का स्वागत करती हूँ। तो मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही सिंपल सा लुक आलिया भट्ट का मेकअप लुक, जिनकी न्यू मूवी में आलिया भट्ट ने गंगूबाई का रोल किया हुआ है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ले रही हूँ प्राइमर, और मैंने मॉइस्चराइज़र पहले ही लगा लिया है। प्राइमर मैं स्टेट वर्की का ले रही हूँ, और इसको अपने टी जोन एरिया पर इस तरह से लगा कर इसको मैं फिंगर से ही इस तरह से लगा लूँगी। इसे हमें फैलाना है, रगड़ना नहीं है इस तरह से। इसके बाद मैं कलर करेक्टर ले रही हूँ, ये एलेगर का प्रो कंसीलर है ऑरेंज, और इसको अंडराइज एरिया पे इस तरह से माउथ के राउंड मैं लगा लूँगी। जहाँ पर हमारे काले डार्क सर्कल हैं मैं वहाँ पे इस तरह से लगा लूँगी ताकि वो हाइड हो जाए। और इसको लगाने के बाद हमें अच्छे से एक गीले ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर लेना है इस तरह से, जैसे मैं कर रही हूँ। ये बहुत ही सिंपल लुक है, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया हुआ है इसमें, और इस तरह से मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। इसके बाद मैं लगा रही हूँ फाउंडेशन, मैबलिन का मैं फाउंडेशन ले रही हूँ, मैबलिन पिकनी का। और इसको मैं इस तरह से डैब डैब करके पूरे फेस पर इस तरह से लगा लूँगी, और एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको भी मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और मैं बहुत ही मोटा लेयर नहीं लगा रही हूँ, मैं मेकअप को लाइट ही रख रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही लाइट मेकअप था तो मैं सिंपल ही रख रही हूँ इसको। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से ब्लेंडिंग हो रही है, क्योंकि मैंने CTM पहले ही कर लिया था। तो आप लोग भी CTM कर लीजिएगा, तभी जाके फाउंडेशन जो हमारा होता है ना अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद मैं ले रही हूँ कंसीलर पैलेट, मैंने श्रीओन का कंसीलर पैलेट लिया हुआ है, और उसमें से मैं लाइट कंसीलर ले रही हूँ, और इसको अपने अंडाइज एरिया पे और नोज पे और माउथ के अराउंड जहाँ जहाँ हमें हाईलाइट की ज़रूरत होती है मैं वहाँ पे अपने फेस को हाईलाइट करूँगी फोरहेड पे। इस तरह से हमें लगाने के बाद इसको मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूँगी, इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। इसके बाद मैं इसको सेट करने के लिए ले रही हूँ ब्लू हेवन का कॉम्पैक्ट पाउडर, और इसको मैं बस अंडर आइज एरिया पे जहाँ जहाँ हमने कंसीलर लगाया था बस मैं वहीं पे सेट कर रही हूँ। और बहुत ज़्यादा मैं सेट नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मैटी लुक हो जाएगा, तो इसलिए मैं ज़्यादा सेट नहीं कर रही हूँ, बस थोड़ा थोड़ा ही सेट करूँगी, और जिससे ये नेचुरल दिखेगा। इसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ ब्राउन्जर पैलेट, और इसमें से मैं ले रही हूँ लाइट ब्राउन शेड, और मैं इसको बहुत ही हल्का हल्का सा ब्राउनिंग करूँगी और इस तरह से, और नोज को भी मैं थोड़ा सा शार्प करूँगी। जो लाइन पे चिन पे हल्का सा। इसके बाद मैं लगा रही हूँ ब्लश, और मैंने मिस रोज का ब्लश लिया हुआ है, और इसको मैं इस तरह से स्माइल करते हुए बहुत ही लाइट लगाऊंगी, ज़्यादा ब्लश में नहीं लगा रही हूँ यहाँ पे। इसके बाद मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मालियों का हाइलाइटर, और मैं बहुत ही हल्का हल्का सा हाइलाइटर यूज कर रही हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा नहीं लगाना है, हल्का हल्का लगा रही हूँ मैं। और यहाँ पर मैं फिंगर की हेल्प से लगा रही हूँ क्योंकि ब्रश से उतना अच्छे से लग नहीं रहा था। इसके बाद मैं यहाँ पर एक लाइट शेड ले रही हूँ जो मैंने अंडर आई एरिया पे लगाया हुआ था, और उसी को लेकर मैं इस तरह से अपने आईलिड पे लगाऊंगी, अपने आईब्रो को क्लीन करूँगी, जिससे जो हमारी आईब्रो होगी ना बहुत ही शार्प दिखेगी। इसी तरह से मैं दोनों आँखों पर लगा लूँगी इस तरह से आईब्रो। इसको भी मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इस तरह से मैं ब्लेंड कर लूँगी, और इसको कॉम्पैक्ट पाउडर से मैंने सेट कर लिया है। इसके बाद मैं ब्राउन आई शेडो लेकर इस तरह से अपनी आईब्रो को फिल कर रही हूँ, फिर एक स्पूली की हेल्प से इसको मैं कॉम्ब कर दूँगी, जिससे जो एक्स्ट्रा पाउडर होगा ना वो निकल जाएगा और हमारी जो आईब्रो है बहुत ही नेचुरल दिखेगी। इस तरह से मैं इसको क्लीन कर ले रही हूँ। इसके बाद मैं अपनी आईलैशेस को कर्ल करूँगी इस तरह से, मैंने वेगा का आईलैशेस कर लिया हुआ है। और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ काजल, मैंने लैक्मी का काजल लिया हुआ है, और मैं मोटा काजल लगाऊंगी क्योंकि उसमें आलिया भट्ट ने बहुत ही मोटा काजल लगाया हुआ है, तो मैं थोड़ा मोटा काजल लगा रही हूँ। और
और लोअर वाटर लाइन पे और अपर वाटर लाइन पे मैं इस तरह से काजल को लगा ली हूँ। और मैंने काजल को थोड़ा सा ब्लेंड भी किया है, नीचे से क्लिप डिलीट हो गई है। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ ब्लू हेवन का मस्कारा और इसको मैं अच्छे से लगाऊंगी दोनों आँखों में। और इसके बाद मैं लगा रही हूँ लिप लाइनर। तो मैंने यहाँ पर लिप लाइनर लगा लिया है। इसके बाद मैं लगा रही हूँ लिपस्टिक। तो मैंने डार्क ब्राउन कलर की लिपस्टिक ली हुई है, ये स्विस ब्यूटी की मैट लिपस्टिक है। और इस तरह से मैं लिपस्टिक लगा लूँगी। इसके बाद मैं लगा रही हूँ मेकअप सेटिंग स्प्रे और हमारा मेकअप ख़त्म होता है। तो ये बहुत ही सिंपल सा मेकअप था, कोई भी इसको क्रिएट कर सकता है। और यहाँ पर कुछ बाकी रह गया था, तो आलिया भट्ट ने इस तरह से अपने चीक पर प्लस का निशान बनाया हुआ था, तो मैंने भी इस तरह से बना लिया है। और ये रहा मेरा फाइनल लुक। आलिया भट्ट का मैंने बस एक्सपायर्ड मेकअप किया हुआ है, मैं उनकी तरह नहीं दिखती हूँ ना, तो मुझे बनना है। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।